रविवार को एशिया कप के सुपर फोर मैच में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है। इस भिड़ंत को देखने के लिए क्रिकेट फैंस में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। एक्साइटेड तो पूरे होंगे क्योंकि पूरा विश्व की नजर है, पूरा दुनिया इंतजार करता है भारत पाकिस्तान का मैच का, तो हम लोग को भी इंतजार है। आगे का जैसे देखा गया था 266 गया था, तो आज लग रहा है 320 तक जाएगा। आज विराट कोहली शायद खेल सकता है, देखा जाए आज उन लोग का ओपनर बॉलर कैसा बॉल करेगा, आज देखा जाए। एक्साइटेड तो काफ़ी हैं, जितने भी क्रिकेट फैन हैं भारत और पाकिस्तान के मैच का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो एक्साइटेड तो हम भी है और भारत की जीत के लिए एक्साइटेड है। भारत इस मैच में अच्छा खेले और जीत हासिल करे। एशिया कप के लीग मैच में भी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी, लेकिन बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो पाया था। अब सुपर फोर के मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अब ऐसे हालात से निपटने के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। ये मतलब मुझे लगता है कि पिछले मैच से कॉन्टेस्ट वाला मैच रहेगा और मतलब दिलचस्पी मैच होने का चांसेस है, मतलब कड़ा टक्कर देंगे। पाकिस्तान भी अच्छा टीम है, इंडिया भी अच्छा टीम है, दोनों कड़ा टक्कर देंगे आज। मैच से पहले भारतीय फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैं तो रोहित शर्मा का फैन हूँ, तो चाहता हूँ रोहित शर्मा आज 50 या 100 मारे। पाकिस्तान को मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा बॉलिंग में अच्छा टक्कर दे सकता है और बैटिंग में तो विराट कोहली है ही, और बॉलिंग में एक और एक है मेरे हिसाब से जो अच्छा टक्कर दे सकता है, वो है आपके हार्दिक पांड्या जो अच्छा पेसर है, और रविंद्र जडेजा जो अच्छा स्पिनर है, तो वो दोनों टक्कर दे सकते हैं बॉलिंग में। मेरे हिसाब से तो विराट कोहली बना सकता है क्योंकि वो शुरू से अगर अंत तक खेला तो सेंचुरी तो बनना ही है। दो सितंबर को हुए भारत पाकिस्तान मैच में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी की थी। टीम इंडिया के फैंस को इस मैच में उनसे खासी उम्मीदें हैं। I don't think कि हार्दिक पांड्या फॉर्म में है, तो फॉर्म में है तो इसका ये मतलब नहीं कि बैटिंग ऑर्डर ऊपर कर दिया जाए। फॉर्म में है, वो अपने जगह पे अच्छा कर रहे हैं और उनको वहीं पे अच्छा करना चाहिए। इस हाई प्रोफाइल मुकाबले के लिए पाकिस्तान ने उसी टीम को उतारने का फैसला किया है जो बांग्लादेश के खिलाफ जीती थी, लेकिन भारत ने अभी टीम का ऐलान नहीं किया है। मैच पर 90% बारिश का साया है, लेकिन दर्शकों को उम्मीद है कि मैच पूरा होगा।